हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल रो फैक्टर एडिशन की बात की थी। ट्रायंगल रो फैक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड को स्टडी किया था। आज हम आगे एक और मेथड स्टडी करेंगे एडिशन का ही, वो आपका है एडिशन बाय रिजोल्यूशन। देखो एनालिटिकल जो मेथड है वो दो मेथड हम डिस्कस करेंगे, एक तो ट्रायंगल रो और एक एडिशन बाय रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका है एडिशन ऑफ फैक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रिजोल्यूशन, बाय रिजोल्यूशन। देखो भाई, मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, ये आपके पास भी वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका कंपोनेंट्स की फॉर्म में है। कंपोनेंट्स की फॉर्म में लेते हैं, जैसे मान लो ए एक्सिस का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई, ए वाई इसका कंपोनेंट है अलोंग यहां पे ए एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, ए वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग और ए जेड कंपोनेंट इसका है जेड एक्सिस के अलोंग। तीन कंपोनेंट में इसको रिजोल्व कर रखा है, इस वेक्टर को तीन कंपोनेंट में रिजोल्व कर रखा है। ऐसे ही मान लो कोई दूसरा वेक्टर बी आपके पास, वेक्टर बी बी ऐसे कंपोनेंट में दे रखा है, कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है बी वाई जे जेड प्लस बी जेड के जेड, ये गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है ए प्लस बी, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, इसको ऐड करना। ये एनालिटिकल मेथड है, बहुत आसान है इसको ऐड करना। क्या करना आपको, आई आई के जो कंपोनेंट हैं, जो कोफिशिएंट हैं, आई के कोफिशिएंट ए एक्स प्लस बी एक्स इनको ऐड कर दो, तो ए एक्स प्लस बी एक्स और ये हो जाएगा अपना अलोंग आई प्लस, सिमिलरली ए वाई प्लस बी वाई ये हो जाएगा आपका वाई के अलोंग प्लस ए जेड प्लस डी जेड जो जाएगा आपका जेड एक्सिस के अलोंग। इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका क्या करते हैं अनरूट ले लेंगे, तो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो दो वेक्टर अगर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है तो उनका सम इस प्रकार करते हैं, आई आई के कोफिशिएंट ऐड कर दो, जे जे के कोफिशिएंट ऐड कर दो और के के कोफिशिएंट ऐड कर दो, तुम्हारा ए प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो आपके पास एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके पास ये कोई पॉइंट है और यहां पे एक फोर्स लगा हुआ है, ये फोर्स आपका 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स है और ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब ये आपके मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो आपकी वाई एक्सिस है, ये 10 न्यूटन फोर्स है, एक फोर्स यहां पे लगा हुआ है, ये मान लो आपका 5 न्यूटन फोर्स है, 5 न्यूटन। तो एक फोर्स एक फोर्स यहां ले लेते हैं, ये भी 10 न्यूटन है और ये जो एंगल है ये दे रखा मान लो 60 डिग्री, ये जो एंगल है ये मान लो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये एंगल दे रखे हैं आपके, ओके, और तीन वेक्टर दे रखे हैं आपके, तीनों वेक्टर का सम करना है, तीनों वेक्टर को ऐड करना है। तो यहां पे देखो अपने पास दो एनालिटिकल मेथड है, ट्रायंगल रो फैक्टर एडिशन जो हमने लास्ट वीडियो में किया था और ये है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रिजोल्यूशन। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर दे रहे हो, सिर्फ दो वेक्टर और उनके बीच का एंगल बता दो तो कौन सा लगाएंगे, ट्रायंगल रो लगाएंगे। अगर दो से ज्यादा वेक्टर गिवन है तो ये वेक्टर हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा और छोटा भी रहेगा, टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें क्या करते हैं, पहले तीन वेक्टर को रिजोल्व कर लो। देखो यहाँ पे तीन वेक्टर हैं, ये वेक्टर आपका y एक्सिस के अलोंग है, ये किसके अलोंग है,
y एक्सिस के अलोंग है, जो वेक्टर आपका y के या x के अलोंग है उसको मत छेड़ो, उसको मत छेड़ो, उसको रिजोल्व नहीं करना। जो वेक्टर ना तो x एक्सिस के अलोंग है और ना y एक्सिस के अलोंग है उस वेक्टर को रिजोल्व करना है, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है। कैसे कंपोनेंट में तोड़ना है? एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग, एक x एक्सिस के अलोंग दूसरा y एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही इसको भी रिजोल्व कर लो, एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग दूसरा कंपोनेंट इसका y के अलोंग, ठीक है। अब इसको देखो भाई, ये मान लो आपका ये वेक्टर आपका, इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे इसको। किसी वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना, ठीक है। तो इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहे हैं यहां पे, तो इसका ये कंपोनेंट यहां पे देखो, हमें ये दोनों कंपोनेंट निकालने इसके, इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, ये एंगल है 30 डिग्री यहां पे, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा 10, एंगल के साथ क्या लगाते हैं cos, 10 cos 30, और इसका ये कंपोनेंट 10 sin 30, sin 30, ठीक है। तो इस वेक्टर को देखो, इसको मैं वेक्टर a मान लेता हूं, वेक्टर a, इसको मैं वेक्टर b मान लेता हूं, वेक्टर b, इसको मैं वेक्टर c मान लेता हूं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, a plus b प्लस सी निकालना, ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है। तो पहले वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो, वेक्टर ए को क्या कर लो, रिजोल्व कर लो, ए तो नाम है इसका, एडिशन बाय रिजोल्यूशन, पहले रिजोल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो रिजोल्व किसको करना है, जो ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग है और ना वाई एक्सिस के अलोंग है, उसको रिजोल्व करना है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे दो कंपोनेंट में, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, इसको लिखेंगे वेक्टर ax के अलोंग i कंपोनेंट प्लस y के अलोंग ये हो गया j कंपोनेंट। अब x के अलोंग इसका कंपोनेंट, x के अलोंग इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट x के अलोंग ये है, तो ये है 10 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया आपका, लिख देता हूं मैं बस sin 30 i कैप प्लस ay y के अलोंग a का कंपोनेंट, ये हो गया आपका ay, ये हो गया 10 cos 30, 10 cos 30 ये हो गया j के अलोंग, इसको क्या लिखेंगे 5 i के प्लस ये हो जाएगा आपका 5√3 j के, ठीक है, cos 30 होता है √3/2, ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर a। तो वेक्टर a को लिख दिया हमने, वेक्टर ए को रिजोल्व कर दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया वेक्टर ए को। ऐसे ही वेक्टर बी को, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर बी तो किसके अलोंग है, वेक्टर बी तो ऑलरेडी वाई के अलोंग है। तो इसको क्या लिखेंगे, कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 5 इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस वाई के अलोंग, माइनस वाई के अलोंग है तो माइनस, और y के अलोंग है तो j के, ये आ गया वेक्टर b, ये आपका वेक्टर b आ गया, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर c, तो वेक्टर c का एक कंपोनेंट ये और इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग, ठीक है, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो थीटा के साथ, थीटा के साथ क्या होगा cos, तो हो गया 10 cos 60 डिग्री, और इसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ साइन 60 डिग्री। अब देखो इसको रिजोल्व करेंगे सी को, तो वेक्टर सी को क्या लिखेंगे, सी का कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग और आई कैप प्लस सी का कंपोनेंट वाई के लॉन्ग और जे कैप, ऐसे लिखेंगे। अब सी का कंपोनेंट एक्स के अलोंग, ये कंपोनेंट हो गया 10 साइन 60, अब ये एक्स के लॉन्ग नहीं है, ये माइनस एक्स के लॉन्ग है, किसके लॉन्ग है, माइनस एक्स के लॉन्ग है, माइनस 10 साइन 60, साइन 60 आई कैप, ठीक है, प्लस सी का कंपोनेंट वाई के अलोंग, ये कंपोनेंट हो गया वाई के अलोंग, 10 cos 60, 10 cos 60 डिग्री, ये हो गया जे के अलोंग। अब इसको क्या लिखेंगे, साइन
60 डिग्री रूट 3 बाय 2 तो ये माइनस 5 रूट 3 आई कैप प्लस को 61 बाय 2 तो जाएगा 5 जे कैप ये हो जाएगा वेक्टर सी तो ए बी सी वेक्टर ए बी सी को कंपोनेंट पे रिजोल्व कर दिया अगर कंपोनेंट पे रिजोल्व कर दिया अब तो सीधा क्या करना है उनका सम करना है देखो कैसे करेंगे थोड़ा सा यहां पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसके बराबर हो जाएगा ए का कंपोनेंट एक्स के लॉग प्लस बी का कंपोनेंट एक्स के लॉग प्लस सी का कंपोनेंट एक्स के लॉग आई गेट प्लस ए का कंपोनेंट वाई के लॉग प्लस बी का कंपोनेंट वाई के लॉग प्लस सी का कंपोनेंट वाई के लॉग जे के ऐसे लिखेंगे अब ए का कंपोनेंट एक्स के लॉग ए का एक्स के लॉग 5 दिस इज 5 प्लस बी का एक्स के लॉग इसमें एक्स नहीं है तो 0 प्लस सी का एक्स के लॉग माइनस 5√3 5√3 दिस इज एंड आई कैप प्लस ए का कंपोनेंट वाई के लॉग ए का कंपोनेंट वाई के लॉग दिस तो 5√3 और बी का वाई के लॉग माइनस 5 और सी का कंपोनेंट वाई के लॉग प्लस 5 ये हो जाएगा जे यहां पे देखो इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा और 5 कॉमन ले लेंगे यहां बचेगा 1 -3 ये हो गया आई कैप और यहां बचेगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा +5√3 ये हो जाएगा आपका जे के दिस इज ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये हो गया आपका तीनों ये आंसर आ गया आपका फाइनल ठीक है इस तरीके से हम दो वेक्टर को तीन वेक्टर को चार वेक्टर को ऐड कर सकते हैं पहले उसको रिजोल्व करो किसको रिजोल्व करना है जो ना तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ना वाई एक्सिस के लॉन्ग है जो बीच में है उसको रिजोल्व करना है ठीक है और फिर सभी को क्या करना है कि कंपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे ए बी सी जैसे ये लिखा हुआ है और फिर कंपोनेंट को ऐड कर देंगे हमारा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा तो ये आपका थर्ड मेथड था एनालिटिकल मेथड था एडिशन का